लोकसभा चुनाव में एक तरफ पार्टियां जनता को लुभावने वायदे पेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी दलों पर जमकर निशाने भी साधते हुए नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के बयान को लेकर खड़गे ने करारा तंज कसा है। तो क्या कहा खड़गे ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी मौसम में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। एक के बाद एक बीजेपी की कमजोर कड़ियों पर वार करती हुई नजर आ रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने पुष्कर रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की गारंटियों को झूठ का पुलिंदा बताया था, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। खड़गे ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस की गारंटियों पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मोदी राज में देश में हुए आर्थिक बंटाधार पर तंज कसते हुए लिखा, अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था बनाने में मोदी सरकार विश्व गुरु है। परिवार परिवार करते हुए देश के परिवारों पर कर्ज का बोझ इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर कर दिया है। देश के परिवारों की घरेलू बचत करीब 50 सालों में सबसे कम कर दी है। महिला, युवा, किसान, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग सब मोदी सरकार के आर्थिक बंटाधार का दंश झेल रहे हैं। कांग्रेस जब अपने न्याय पत्र में इनकी कमाई, दवाई और पढ़ाई की भरपाई की गारंटी लाती है, तो मोदी जी ऊल जलूल बयानबाजी करने लगते हैं। जरा सोचिए क्यों? क्योंकि उनकी भयानक विफलताओं का सच अब जनता के सामने खुलकर आ रहा है। जनता अब बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली, वो मोदी सरकार को जरूर सबक सिखाएगी। आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी की घोषणा की है। इन 5 न्याय में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय शामिल है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।